हेलो बच्चों, वेलकम टू द फर्स्ट माइक्रो लेक्चर ऑफ लॉज ऑफ मोशन ऑन अरिविहाम, अ प्लेटफॉर्म विद पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव लेक्चर्स। मित्रों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका क्या यूज होता है, वो कैसे हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाइयों बहनों, आज के इस दुनिया में जो बंदा कोई काम ना करे, निठल्ला बैठा रहे, दिन भर सोता रहे, क्या उसको एक अच्छा बंदा कहते हो, कहोगे आप? बिल्कुल नहीं। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इफ यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। बट वर्क के लिए क्या फोर्स जरूरी है या नहीं? क्या आप बिना फोर्स लगाए इस पेन को उठा के ऊपर रख दोगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप भूत हो, है ना? इट्स एन एबनॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मली ये कहीं किया नहीं जा सकता है। भाइयों बहनों, अगर आप फोर्स की बात करो तो फोर्स एक बेसिक एलिमेंट है जिसके द्वारा हम कोई भी काम कर सकते हैं। बिना फोर्स के अगर आप कोई काम कर रहे हो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ हॉरर मूवी, है ना? वो एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाता है, ठीक? तो फोर्स इज द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। भाइयों बहनों, अगर आप किसी मॉल में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, तो आपको एक पुश और पुल नाम का वर्ड आपने देखा होगा। तो अगर किसी बॉडी को आप धक्का मार रहे हो ना, तो उसे कहते हैं अपन पुश, और इसको कह लेंगे अपन F1 इज पुशिंग फोर्स एंड F2 इज द पुलिंग फोर्स। अगर आप किसी बॉडी को खींच रहे हो अपनी तरफ फोर्स लगा के, दैट इज कॉल्ड पुलिंग फोर्स, है ना? तो फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल। फोर्स इज ऑल अबाउट पुश। मैं एक बेसिक सा किताबी डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ते हुए आपको हर टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस भावनाओं को समझो, फिजिक्स के फीलिंग्स को समझो, है ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फोर्स इज ऑल अबाउट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, एंड फोर्स इज ऑल अबाउट पुश एंड पुल। चलो भाइयों बहनों, मैं लिख देता हूं पुश स्लैश पुल, है ना? फोर्स इज ऑल अबाउट पुश एंड पुल। भाइयों बहनों, फोर्स और क्या क्या कर सकता है इसके बारे में जानते हैं। तो अपन इस स्लाइड में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, बिना फोर्स के भाई साहब आप कोई भी काम नहीं कर सकते, है ना? किसी चीज को डिस्प्लेस नहीं करवा पाओगे अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो। तो मित्रों, पहला इफेक्ट जो आप देख रहे हो, है ना, इट कैन मूव एज वेल एज स्टॉप अ बॉडी। अगर कोई बॉडी अगर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, है ना? मूविंग बॉडी, एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको रोक देगा, फोर्स लगाओगे रुक जाएगा बंदा वो, है ना? दूसरा क्या है, इट कैन मूव अ बॉडी, इट मींस अगर ये रेस्ट पे है तो आप इस पे 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी डाल दो, तो क्या हुआ, आपने इसको मूव करवा दिया। तीसरा जो एग्जाम्पल होता है, जो इफेक्ट होता है फोर्स का, अगर एक बॉल है आपके पास प्लास्टिक की, उसको आप दबाओ जोर से, क्या होगा, ऑक्टोपस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, है ना? दिस इज वॉट इट कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ अ बॉडी, शेप एज वेल एज साइज जो भी है वो आपका चेंज हो जाएगा। देख रहे हो, एकदम गोल था, अब ऑक्टोपस बन गया। भाई बहनों, अब मैं बताने वाला हूं कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि फ्रिक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, चलो जल्दी बताओ बच्चों, फ्रिक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नहीं, आपका आंसर गलत है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, नो फ्रिक्शन विल बी देयर, इज देयर एनी फ्रिक्शन, नो, है ना? आपका आंसर गलत था, आपने यस बोला था, दैट इज इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि हवा में फ्रिक्शन थोड़ी ना लगेगा, है ना? इन दोनों बॉडीज को टच करवाना पड़ेगा ना, दे शुड टच ईच अदर, है ना? दोनों एक दूसरे से दूर है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे ऐसे करूं बिना टच किए, देख रहा हूं मैंने टच नहीं किया, आई एम नॉट टचिंग इट, इज देयर एनी फ्रिक्शन? एयर रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे गाल और इस हाथ के बीच में कोई फ्रिक्शन है क्या? नहीं। बट अब ऐसे ऐसे करके देखो, फ्रिक्शन आया ना भाई साहब, तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स, जब तक कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन ना लगेगा। भाइयों बहनों, एक और फोर्स का एग्जाम्पल मैं पूछता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स जो होगा वो कैसा फोर्स होगा? आप पढ़े हो ना नॉर्मल रिएक्शन, क्लास 9th में पढ़े हो, है ना? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टेक्ट या नॉन कॉन्टेक्ट? बॉडीज में कॉन्टेक्ट होने की जरूरत है या नहीं, नॉर्मल में पूछ रहा हूं।
Non-contact force. No, your answer is wrong. It's a contact force. बिना contact हुए normal reaction लगेगा नहीं, ना तो friction लगेगा ना तो normal reaction लगेगा. Touch होगा, pressing force देगा तभी तो normal reaction आएगा ना. Your answer is incorrect. Correct answer is yes, it is a contact force. You should touch two objects. Contact force का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो. Which is acting between two bodies which are in contact with each other. है ना? For example, अभी हमने दिया है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स को जमीन पे लेके खींचोगे, है ना? जैसे कि मेरे पास ये हाइलाइटर है, इस हाइलाइटर को मैं ऐसे हवा में खींच रहा हूं आगे की तरफ, कोई फ्रिक्शन है क्या? नहीं. लेकिन आप देखो फ्रिक्शन है, है ना? तो ऑल आई वांट टू से इज फ्रिक्शन इज ऑल अबाउट योर कॉन्टेक्ट. अगर नो कॉन्टेक्ट नो फ्रिक्शन, नो मनी नो हनी, ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया. और पीछे की तरफ आप देखो एक स्मॉल एफ में लिख रहा हूं, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है, दूसरा एग्जांपल अगले स्लाइड में दे दूंगा. अच्छा, एक और चीज बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो है mg है, बट ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है. तो क्या हवा में नॉर्मल लगेगा? बिल्कुल नहीं. नॉर्मल इज अ रिएक्शन फोर्स और इसके लिए एक्शन होना चाहिए, यानी कि कॉन्टेक्ट होना चाहिए. ठीक है, चलो. एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की मैं बात करूं तो विच एक्ट, विच मैं एक कॉमा देके छोड़ देता हूं, विच विल एक्ट एक्ट बिटवीन और अमंग, दोनों हो सकता है बिटवीन. मैं टू बॉडीज की बात कर रहा हूं इसलिए मैं बिटवीन ले रहा हूं. टू बॉडीज विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, है ना, विच आर नॉट इन Not in contact. जैसे कि for example, अगर मैं बात करूं यहां पे, एक आपके पास अर्थ है और एक सन है. सन के चारों ओर चक्कर कौन मार रहा है? चारों चक्कर मतलब चारों ओर, चारों दिशाओं में कौन घूम रहा है, चारों तरफ कौन घूम रहा है, बताओ. सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? हमारी धरती माता घूम रही है, है ना? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लगने वाला फोर्स जो होता है, पहला एग्जांपल नॉन कॉन्टेक्ट का ले रहा हूं, उसको कहते हैं जीएफ. जीएफ सुनते ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड का ख्याल आएगा, बट वो गलत ख्याल है, नहीं आना चाहिए. यहां पे जीएफ का मतलब, मेरा तात्पर्य है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, है ना? तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, जो मैं फिर से यहां पे देख लो, ये सन है, ये हमारी धरती माता है, और धरती माता के चारों तरफ, है ना, कौन घूम रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट धरती माता किसके तरफ घूम रही है आप देख सकते हो. ये वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसके तरफ जा रही है अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये होता है mv स्क्वायर बाय r मित्रों, और ये होता है gf. gf मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स मींस fg, fg मींस g m1 m2 मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन, m1 m2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज r का होल स्क्वायर. ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इस तरफ मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. पहले मैं कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं. कॉन्टेक्ट फोर्स में एक टेंशन फोर्स भी आ जाता है. टेंशन फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ t इज इक्वल टू mg, दैट इज टेंशन. अगर मैं सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस सेक्शन की बात करूं तो उसको क्या कहेंगे अपन? ध्यान से देखना, ये कहलाता है EF. EF means electrostatic force. भाइयों बहनों, electrostatic force कैसा होता है? ध्यान से देखना. electrostatic force, ये charge Q1 हो गया मित्रों, और ये charge Q2 हो गया. तो FE यानी कि electrostatic force is equal to K Q1 Q2 upon R square. देख रहे हो, दोनों एक ही जैसा force है. क्या है? gravitational force बोलो या electrostatic force बोलो, दोनों एक ही force है ना? That is K Q1 Q2 upon R square. formula में थोड़ा सा change है, but एक ही तरह का formula आप देख सकते हो. अच्छा, तो ये हो गया कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स. भाइयों बहनों, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एक बार फिर से मैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स बता देता हूं.
वी कांट डू एनी वर्क, है ना, वी कांट डू एनी वर्क विदाउट फोर्स, है ना. फोर्स इज बेसिक एलिमेंट, बेसिक नीड ऑफ आर लाइफ, है ना. फोर्स इज बेसिक नीड ऑफ आर लाइफ, हमारी जिंदगी का बेसिक नीड है ये, है ना. वी कांट डू एनी वर्क विदाउट फोर्स, वी कांट डू एनी वर्क विदाउट फोर्स. तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, एनी वर्क विदाउट फोर्स. मित्रों आज के लिए इतना ही काफी है. आज के पहले लेक्चर में मैं कंक्लूड कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है आपको, फोर्स क्या होता है, इसके बेसिक इफेक्ट्स और मीनिंग क्या होते हैं, डेफिनेशन मैंने बता दिया है, और मैंने टाइप्स बताए. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइप्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मैंने आपको समझा दिया है. बिना टच किए जो फोर्स लग जाए उसको नॉन कॉन्टेक्ट कहेंगे, है ना. और जिस पे टच करने की जरूरत पड़ जाए, जैसे किसी को फ्रिक्शन गाल पे लगाना है, टच करने की जरूरत पड़ी ना, दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स, दैट्स इट. तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.